हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं हाल में ही ओलंपिक्स हुए हैं और पैरा ओलंपिक्स टोक्यो ख़त्म हुए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ओलंपिक की शुरुआत कैसे हुई और कैसे भारत ने इसमें हिस्सा लिया? अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस। और मैं हूं आपका दोस्त शिवेंद्र राजपूत। चलिए शुरू करते हैं। आज से लगभग 3000 साल पहले, जब मॉडर्न ग्रीस हुआ करता था, वो बहुत सारे सिटी स्टेट्स में बटा हुआ था। इन्हीं स्टेट में एक स्टेट का नाम ओलंपिया था। ओलंपिया में ही पहली बार ओलंपिक गेम्स हुए थे। इसका आयोजन सबसे पहले 1776 बीसी में हुआ था। ग्रीस के लोग बहुत अच्छे व्यापारी हुआ करते थे, इसलिए उन्होंने बाकी देशों में जाके व्यापार करना शुरू किया। शुरू में ओलंपिक गेम्स 8th सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी एडी तक चला। लगभग 1200 साल तक यह चला। ग्रीस में ये खेल के साथ साथ धार्मिक संस्कृति भी थी। ज्यूस, जो वहाँ के सबसे ताकतवर देवता माने जाते हैं, उनके सम्मान में यह खेल शुरू किया गया था। आज भी शुरुआत में अग्निज्वाला इन्हीं खंडरों ओलंपिया से जल के पूरे देश में जाती है। इसके बाद अंत में जाके ये होस्ट कंट्री को दी जाती है। शुरुआत में खेलों में सिर्फ रेस होती थी। पहली ओलंपिक रेस में लगभग 200 मीटर का डिस्टेंस होता था। पहला ओलंपिक चैंपियन वहीं का लोकल सिटीजन जो कि एलिस में रहता था, वो एक कुक था, खाना बनाने वाला, जिसका नाम कोरोबियस था। धीरे धीरे बहुत से इवेंट होना शुरू हुए। फिर ये एक दिन से बढ़कर 5 दिन तक चलने लगा। उस समय सिटी स्टेट्स अलग अलग राज्यों, मतलब छोटे स्टेट में बटा हुआ था, जैसे एथेंस, ओलंपिया, ऐसे बहुत से शहर हुआ करते थे। अब जानते हैं कैसे ओलंपिक बंद हो गया। रोमन एम्पायर ने ग्रीस पे कब्जा करने के साथ ही ओलंपिक गेम्स का अंत कर दिया। रोमन एम्पायर को या उनके लोगों को ये सब बच्चों का खेल लगता था। बंदर जैसे उछलते कूदते रहते हैं, उन्हें ऐसा लगता था, उन्हें ये मजाक की चीज़ें लगती थी। इसलिए रोमन एम्पायर ने पूरी तरह से इसे बंद कर दिया। लेकिन इंग्लिश में एक लाइन है ना, एन आइडिया कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। ओलंपिक की विचारधारा वहाँ के लोगों में बस गई थी। 1500 साल बाद फिर जाके ओलंपिक दोबारा शुरू हुआ। 1821 में ग्रीक ओटोमन एम्पायर से आज़ाद हुआ। फिर कुछ लोगों ने मिलके ओलंपिक गेम की शुरुआत करी। 1859 में फिर ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई। इसमें बाहरी देश के लोग शामिल नहीं हुए। इसे जापास ओलंपिक भी बोला जाता है, क्योंकि जापास वह व्यक्ति था जिसने उस ओलंपिक को फाइनेंस किया था। वो उस समय का ग्रीस का बहुत अमीर व्यक्ति था। इसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली बैठक 16 से लेकर 22 जून तक थी, जो कि सन 1894 में हुई थी। इसके बाद जाके 1996 में मॉडर्न डे ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। ये 1896 का स्टेडियम है। इसके बाद वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ओलंपिक नहीं हुए। फिर जाके इतने सालों बाद 2020 में कोरोना वायरस के कारण ओलंपिक गेम्स नहीं हुए, ये पोस्टपोन होके 2021 में अभी हुए हैं, जिसे हम टोक्यो ओलंपिक 2020 के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड वॉर के बाद हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस से चेंज हो करके लाउसाने स्विट्ज़रलैंड में कर दिया गया। 115 मेंबर्स मिलके IOC का निर्माण करते हैं। फिर आता है ओलंपिक कैसे भारत में आया, ओलंपिक्स इन इंडिया। सबसे पहले 1920 में पहली टीम ओलंपिक के लिए भेजी गई। इसके बाद 1923 में ऑल इंडिया ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ। फिर लगातार हमारे देश से ओलंपिक खेलों के लिए जाते रहे। ओलंपिक भी दो भागों में बटा हुआ है। सारे गेम्स सारे सीजन्स में नहीं हो सकते, इसलिए विंटर ओलंपिक और समर ओलंपिक खेलों का निर्माण हुआ। 1924 में पहला विंटर ओलंपिक हुआ। साथ में ही 1960 में पहला पैरा ओलंपिक भी हुआ। 1964 में टोक्यो पैरा ओलंपिक में इनको भी परेड में शामिल किया गया। टोक्यो ओलंपिक 2020 भारत के लिहाज से काफ़ी अच्छा रहा। पैरा ओलंपिक्स में ढेर सारे भी मेडल आए। अगला ओलंपिक की मेजबानी फ्रांस करेगा, जिसकी राजधानी पेरिस में होगी। आशा है कि आने वाले ओलंपिक में भारत पहले से बेहतर प्रदर्शन करेगा, मेडल टैली में पदोन्नति करेगा। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शिवेंद्र राजपूत साइनिंग आउट।